कई लोगों को लगता है विनम्रता है कि हम लोगों के लिए डोरमैट बन जाए, कोई भी आए अपना जूता साफ करके चले जाए। नहीं, कई लोग लगता है विनम्रता मतलब हम इतने कोमल और सॉफ्ट हो जाए कि हम भूल भी जाए हम कौन है। बिल्कुल नहीं, विनम्रता है अपनी योजना छोड़ के परमेश्वर की योजना को एक्सेप्ट करना। हम लोग जीसस की लाइफ से देख सकते, जीसस जो थे वो थे, ना उससे कम थे ना उससे ज्यादा उन्होंने घोषणा की। वो जो थे उन्होंने वही स्वीकार किया, वही घोषणा की। लेकिन विनम्रता का मतलब क्या है? उनका अपनी महिमा छोड़ के आना और अपने आप को इतना विनम्र करना कि मनुष्य जीवन धारण करने के बाद भी अपने अनुसार नहीं जीना परंतु पिता की योजना के अनुसार जीना। हम सब मानते हैं कि हमारे जन्म लेने से पहले परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए निर्धारित थी। विनम्रता क्या है? वचन कहता है वो मन तुम में रहे जो मसीह यीशु में। तो यीशु ने अपने आप को क्या किया? यीशु ने अपने आप को दीन कर दिया, स्वर्ग से अपनी महिमा छोड़ी, वो नीचे आया और अपनी योजना के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा से नहीं जिया परंतु पूर्ण रूप से अपने आप को पिता के अधीन कर दिया। और यहाँ ह्यूमिलिटी की डेफिनेशन कि वो जिसने पाप को नहीं जाना अब वो पापियों का बपतिस्मा लेने के लिए आगे बढ़ता है। वो क्यों करता है? ताकि धार्मिकता पूरी की जा सके। वो बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आते हैं और वचन कहता है कि और फिर स्वर्ग खुल गया। और वो स्वर्ग सिर्फ प्रभु यीशु के लिए नहीं खुला, वो स्वर्ग उन सब लोगों के लिए खुल गया है जो उस राज्य का हिस्सा बनने वाले। वो स्वर्ग और स्वर्गीय आशीष उन सब के लिए खुल गई है जो प्रभु यीशु पर ईमान लाने वाले। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का जिसने हमें हर प्रकार की स्वर्गीय आशीषों से भरा, हमारे हर प्रकार की आत्मिक आशीष। तो वो स्वर्ग खाली प्रभु यीशु के ऊपर नहीं खुला, वो स्वर्ग खुल गया उन लोगों के लिए जो अपना ईमान लाए, वो खुल गया उन लोगों के लिए जो उसके पीछे चले। इस स्वर्ग खुल गया ताकि प्रभु अपनी उस दौड़ को दौड़ सके उस आनंद के लिए जो उनके सामने। वचन कहता है कि जब उसके ऊपर स्वर्ग खुला उसके बाद पवित्र आत्मा कपोत के रूप में एक दौड़ के रूप आकर उस पर बैठ जाता है। और ये क्या? यीशु का अभिषेक उस सेवा के लिए जो उसको करना। प्रभु यीशु ने सारे काम अपने सामर्थ्य में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर होने का फायदा नहीं लिया परंतु अपने आप को पिता के अधीन किया और पिता ने भी उन्हें पवित्र आत्मा बिना मेजर के बिना माप के प्रभु के ऊपर कपोत आता है। इसका क्या मतलब है? कि प्रभु अब एनॉइंटेड किए गए हैं अपनी सेवा के लिए। क्या आप सेवा करना चाहते हैं? क्या आपको मालूम है आपकी बुलाहट के अनुसार आपके जीवन में अभिषेक उतरता है? और प्रभु यीशु के ऊपर खुद कपोत के रूप में पवित्र आत्मा आके उतरता है और एक स्वर्ग से आवाज आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह बेटा है जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जन्मा, ये आत्मा के सामर्थ्य में और पूरे ज्ञान में बड़ा। ये वो बेटा, अब उसके लिए स्वर्ग खोल दिया गया और इन्हें पवित्र आत्मा बिना मेजर के दिया जाता है। क्यों? अब ये अनॉइंटेड है मसीहा के काम करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप संकट से जाए कभी भी पिता के प्रेम पे डाउट ना करें, क्योंकि हम जानते हैं हर बात भलाई की ओर ले जाती है उनको जो परमेश्वर से प्रेम करते और उसकी इच्छा के द्वारा बुलाए गए। बिना क्रूस पे चढ़े कोई पुनरुत्थान नहीं है, बिना कब्र में गए कोई पुनरुत्थान, बिना मरे कोई नया जीवन वापस नहीं है, बिना तकलीफ झेले महिमा नहीं है। इसलिए वचन कहते हैं यदि हम उसके साथ दुख सहेंगे तो हम उसके साथ महिमा भी देखें। हम बोलेंगे नहीं, हमको वही जीसस चाहिए जो ग्लोरियस है, वही जीसस चाहिए जो मर के उठे, वही जीसस चाहिए जो पावरफुल है, वही जीसस चाहिए जो हमको होली फायर से बैप्टिज्म देते हैं। हमको वो जीसस नहीं चाहिए जो सफरिंग जीसस है, हमको वो जीसस नहीं चाहिए जो हम्बल जीसस है, हमको वो जीसस नहीं चाहिए जिसने पिता की योजनाओं के लिए अपने आप को विनम्र कर दिया। हमको वो जीसस चाहिए जो पावरफुल, जो मर कर उठा है। हमको मरने वाला जीसस नहीं चाहिए। अब मैं फिर बताना चाहता हूँ एक ही जीसस। यदि हम भी चाहते हैं कि वो स्वर्ग खुल जाए और वो आवाज हमारे जीवन में भी आए कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो पहली चीज है सबमिशन, परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन की योजना बना लेना। शुरुआत तभी होती है जब हम एक्सेप्ट करते हैं हम उसके जन हैं, उसने मेरे जीवन को पहले से निर्धारित किया है, उसकी योजना है, वो जो सोचता है उससे बेहतर है जो मैं अपने लिए सोचता हूँ, उसकी इच्छा में हाँ और आमेन बोल। विश्वासी जीवन ही है अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को ग्रहण करना, अपनी इच्छा के ऊपर परमेश्वर की इच्छा को रखना, उस यीशु की तरह जो उस बगीचे में प्रार्थना करता है, मेरे पिता यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे आगे से हटाले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। और यही विनम्रता है। विनम्रता वो नहीं है कि हम वो बन जाए जो हम हैं, विनम्रता है हम वो बन जाए
जो परमेश्वर ने हमको बनाया।